दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे वंदे बिहार। इस चेहरे को कौन नहीं जानता? अगर नहीं जानता है तो हम आपको बताते चलते हैं। ये हैं सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, और इनकी पहचान अभी के समय में जो बनी है वह है रामचरितमानस को लेकर जो विवादित बयान दिया गया है उसको लेकर इनकी लोकप्रियता में यूँ कहे इजाफा हुआ है, या एक धर्म विशेष इनके विरुद्ध में खड़े हो गए। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष है, आप देख रहे वंदे बिहार। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फेसबुक पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं कुछ विशेष। आप टीवी डिबेट तो देखते जरूर होंगे, जहाँ पर खासकर हिंदू और मुस्लिम को लेकर के कई तरह के खासकर बयान दिए जाते हैं। टीवी डिबेट में आए दिन ऐसे ही देखते हों, एक तरफ साधु संत होते हैं, एक तरफ मुस्लिम होते हैं। लेकिन जब से ये रामचरितमानस को लेकर जो बयान दिया गया उसके तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य निशाने पर हैं, और निशाना पर किसके हैं तो एक साधु संत। ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि टीवी डिबेट के बाद नौबत यहाँ तक आ गई कि दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। हम तस्वीर की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है और लखनऊ के कमिश्नर कमिश्नरेट ऑफिस में एक आवेदन दिया है, जो बताइए इस आवेदन का भी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन इन्होंने आवेदन दिया कि राजू दास जी हम पर जानलेवा हमला किए थे। वो पूरी हम लेटर आपको दिखाएंगे, आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं क्या उन्होंने क्या कुछ कहा है। लेकिन एक बड़ा आरोप एक टीवी जर्नलिस्ट पर भी लगाए हैं, उनका नाम आप लोग जानते ही होंगे। मैं बता दूं, एबीपी की जर्नलिस्ट रूबिका लियाकत जी लगातार ऐसे विवाद पर चर्चा करवाती रहती हैं, ऐसे सारे टीवी चैनल करते हैं, वो भी इससे कहाँ पीछे रहने वाली, वो भी लगातार इस खबर को एकदम दिखा रही हैं दो पक्षों को कि आप देखिए। लेकिन क्या उनकी नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनती कि वहाँ से जब डिबेट हो जाए तो वहाँ से आसानी से वो लोग अपने अपने घर चले जाएं? लेकिन उनके ऑफिस में ही, इनका आरोप है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आरोप है कि ऑफिस में उनके द्वारा ही ऐसा निर्देशित तो होता है कि उनके द्वारा जो चिट्ठी में है, जैसे देखिए मारपीट हो रही है, इसका पुष्टि हम नहीं करते लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है, और जो बयान दिए हैं कि उनके ऑफिस में ही ऐसा हुआ है। आप देख रहे हैं वंदे बिहार, हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करें। हम आपको लेटर छोड़े जा रहे हैं, आप उसको देखकर प्रतिक्रिया दें।